संयुक्त व्यापार मंडल ने डीसी के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार और दलालों पर कार्रवाई करवाने की मांग। पानीपत नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर दलालों के नाम वापिस आने के बाद अब संयुक्त व्यापार मंडल ने डीसी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर दलालों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। संयुक्त व्यापार मंडल प्रधान का कहना है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अगर कोई सही फाइल लेकर काम करवाने आता है तो दलालों द्वारा फाइल ही गायब कर दी जाती है और जो पैसे दिए जाते हैं तो फाइल मिलती है। संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधानों का कहना है कि गरीब लोगों के साथ गलत नहीं होना चाहिए और हम इसके खिलाफ है। इसके साथ ही नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार और दलालों पर कार्रवाई करने की जल्द से जल्द मांग की। देखिए, जैसा आप पानीपत में देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे जो इस टाइम गोरख धंधा नगर निगम में हो रहा है और सारा सिस्टम जो है वो एकदम करप्ट हुआ हुआ है। इस चीज़ को देख के दलालों के माध्यम से ही काम हो रहे हैं। और अगर मान लो किसी की इनकेस जेन्युइन फाइल है और वो जेन्युइन फाइल दी जाती है तो महीने डेढ़ महीने के बाद वो फाइल गायब हो जाती है और उसके बाद वो बाद में फाइल मिलती है पैसे देने के बाद। तो उसी के लिए आए हुए थे डीसी साहब को ज्ञापन देने, तो आदरणीय डीसी साहब आज थे नहीं, कहीं बाहर गए हुए हैं, तो तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया और आगे की कार्रवाई जैसी भी होगी बात करो। भाई यही बात कहना चाहते हैं कि जो भी आदमी गलत काम कर रहा है शहर में गलत काम नहीं होना। प्रॉपर्टी आईडी गरीब आदमी बनवाता है, अमीर आदमी को तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, उसका काम तो वैसे ही रहता है। भाई गरीब के साथ नजायज नहीं होना चाहिए। जो आदमी गरीब के साथ नजायज कर रहा है उसको लूट रहा है, हम उसके खिलाफ, चाहे वो कोई अफसर है, चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे कोई दलाल है। किसी को क्या नाम दलाली का देना है? जो आदमी ये काम कर रहा है ना, मैं कह रहा हूँ परमात्मा भी उसको माफ़ नहीं करेगा। ओ यार, कुछ तो परमात्मा से खौफ खाओ। गरीब आदमी के पैसे लेकर कहाँ जाओगे, कहाँ पूरे करोगे? संयुक्त व्यापार मंडल ने जो मोर्चा खोला, अगर दलालों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो क्या कार्रवाई रहेगी? अभी 8 दिन का समय दिया है, उसके बाद अगला कदम उठाएंगे। 8 दिन के बाद देखते हैं क्या एक्शन होता है। प्रॉपर्टी आईडी के इश्यूज़ को लेके ज्ञापन दिया गया है, तो ज्ञापन डीसी साहब के नाम है, तो डीसी साहब को ये ज्ञापन भिजवा दिया जाएगा। उसके बाद सर इस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करेंगे।